से लेके आ रहे ना, जो भी वाला काम कार्रवाई कराएंगे आपको बिल्कुल संतुष्ट करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं जो अब उस जेल से लेके आए बना भैया, उसको सड़क को गाड़ी पलटा और इनकाउंटर करा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं। हां जी साहब ने अपनी बात सुन लिया हमने भी, ये बाबा बैठ के बतलाऊंगा और फिर जवाब दे देंगे अपन। काम यही करो जी, योगी जी वाला काम कर दो, मैं उनको हंसी शहर को सुधार दो। आप बंद कर दो, बंद कर लो। देखिए इसमें अभी तक हमारी जांच में यही बात सामने आई है कि जो इसके ऊपर जो कल जो गोली चलाई थी उसके लिए जो मुख्य साजिश जिसने बनाई थी वो विकास है, जो कि जेल में बंद है, उसी ने साजिश करी थी ये सारी, और उसी की साजिश के तहत किया गया। तो हमने कोर्ट से उसका प्रोडक्शन रिमांड ले लिया है और अभी हमारी टीम जो है वो जेल में गई हुई है, उसको लेकर के आएंगे, उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसकी पूरी रिमांड ली जाएगी और उससे आगे और ज़्यादा पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा जो कल फुटेज दिखी थी जिसमें कि जो हमलावर थे उनमें से कुछ जो संदिग्ध हैं, कुछ की पहचान भी की गई है, कुछ संदिग्ध हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से हमारी जो टीमें लगी हुई हैं, 5 टीमें हैं जो हमारी हमने इसमें लगा रखी हैं, जो पूरी तरह से प्रयासरत हैं, जगह जगह रेड भी करी जा रही है कल रात से ही और पूरी तरह से दबिश ली जा रही है और जल्दी से जल्दी इनकी अरेस्ट की। आप कह सकते हैं कि जो उनके गिरफ्तार तक कानून के हाथ पहुँचने वाली जी, बिल्कुल बहुत जल्दी हम आपके इसको पूरी जनता को परिवार को पूरी तरह से इसमें न्याय मिलेगा, जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलामत। एनकाउंटर की बार बार ये कि मांग उठ रही है कि एनकाउंटर हो जाए हो जाए, तो सर ऐसे भी कुछ प्रावधान होते हैं सर या क्या? नहीं देखिए ये तो कानूनन जो भी कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे, पुलिस जो है कानून के अनुसार ही चलती है, जो भी कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो जो गार्ड थे सर, जो सुरक्षा में जो गार्ड थे उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई जो गनमैन जो दिया हुआ था उसको अपनी ड्यूटी में उसने लापरवाही बरती है तो उसी के बिना पर उसको नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है और उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। एक व्यापारी ने यह कहा कि उनके हाथ पे प्लास्टर लगा हुआ था, उसके बावजूद उनको जो है सुरक्षा की जो ड्यूटी है वो दी गई। ऐसी तो कोई बात नहीं, जो गनमैन जो ड्यूटी पे थे उसको किसी को प्लास्टर नहीं लगा हुआ है। मामला सर इसमें किसकी शिकायत दर्ज की? मामला जो है हमने परिवार से कहा था कंप्लेंट देने के लिए लेकिन परिवार ने कल कंप्लेंट नहीं दी थी, तो इसलिए मामला जो है अभी वो जो गनमैन ड्यूटी पे था उसी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। पोस्टमार्टम हो चुका है और अभी हमारे यहाँ पे जो ये परिवारजन है और जो इनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने यहाँ पे रोड जाम किया उनसे ये अपील है कि इस रोड को जाम को भी खोल दें और जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार भी करवाएं जिससे कि दिवंगत की आत्मा को शांति मिले। छापेमारी कहाँ कहाँ की गई करी जा रही है इसमें? बिल्कुल छापेमारी कई काफ़ी जगह की। धन्यवाद।